बैठे रहो, शोर न मचाओ। अगला चलो, माला वाले भगवान तुम आ जाओ। ये जो बालक बेटा आ जाओ बेटा, बीचों में बड़े बाल वाला। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए, आइए सर, आइए सर। तुम बहुत देर से सीताराम जप रहे हो, पांच पाठ हनुमान चालीसा के करोगे पक्का? आओ आओ आओ, कम हेयर माय डियर। हाँ, रोते नहीं है, आओ सीधा आओ। बस 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 भगवान, बस भगवान, भगवान 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 भगवान, आओ। चलो रो मत। माइक उठाओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कहां से आए हैं? माइक से ही बोलो। बुरहानपुर से आया बाबा। पहली बार आए? हाँ, दरबार में पहली बार आया, धाम पे तीन बार गया था। नजदीक आओ, बोलो क्या बात है। हाँ नजदीक आओ, बोलो क्या क्या, कौन सा? हाँ लेकिन देखो, हम आपको बुरा ना माने, साफ साफ कहेंगे, नजदीक आओ। आपने पूर्व में बहुत भूलें यानी त्रुटियां की। माइक से हाँ या ना तो बोलो। गलती हुई बाबा, ठीक है, आगे भी त्रुटि ना करना, आगे अब त्रुटि मत करना। धन से संबंधित इस विषय में, जी बाबा, इस विषय में समझ गए, इस विषय में नहीं करना। हम माइक पर आपका राज नहीं खोलते, बालाजी कृपा करेंगे, क्योंकि वहां पर तो केस की फाइल पुटअप हो गई है, खात्मा नहीं लग सकता। ठीक है, इसके ऊपर बात पहुंच गई है, जिसके लिए तुम दरबार में आए उसका जवाब हमने दिया, खात्मा नहीं लग सकता। लेकिन बाद में तुम फ्री हो जाओगे, गलतियां बहुत की, उस गलती का परिणाम यह है कि लौट कर भूल मत करना। बहुत गरीबों को तुमने सताया, अब मत सताना। राम नाम का जप करना, गरीबों की मदद करना, जितना तुमने किया है उसका दंड या उसकी कृपा बालाजी करें, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि फिर से ज्यों की त्यों सेवा तुम करने लगो, पर लौट के भूल करो तो तुम जानो, तुम्हारे हनुमान जी जाने। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम। दीक्षा पहले निपट जान, दीक्षा अभी मत लो, अभी तो पहली बार आए, बार बार आते रहो कथाओं में, पर जब चित्त चढ़ेगा हम दीक्षा दे देंगे। जब तुम समाज सेवा करने लगोगे फिर से फिर बताएंगे। वाह बिल्कुल बालाजी, उस पर लेकिन गरीबों की मदद करो, हैं? अब मदद करना, क्योंकि तुमने गरीबों के पैसे से पत्र करो बेटा, खुश हो। चल उठो, आइए, दोनों हाथ उठा करके बोलो, बागेश्वर धाम की। ये दरबार उनके लिए है जिनके रास्ता बंद हो गए, जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है, वो राज भी निकल करके सामने आ जाते हैं जो बहुत गुप्त होते हैं। इसी का नाम तो बागेश्वर बालाजी का दरबार है। और कैसे हो रहा, लगाओ अपनी बुद्धि, करने वाले और करवाने वाले तो बालाजी। जिनके घर में मर्डर हुआ है, मर्डर का राज खुलवाने आए हैं, ऐसी अर्जी आई है। बालक आ जाओ, सफेद टी शर्ट, नजदीक आइए। आप कहाँ से? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पढ़ने आए। वाह,
श्री राम जय राम जय जय। इंदौर ही रहते हैं अभी? कहाँ? 2 महीने पहले से। कहाँ? बावरकुआ। अच्छा, बोलो क्या बात, थोड़ा नजदीक आओ, पूछो। बात मतलब घर से ऐसे रो रहा के आए थे कि मतलब अब जा रहे हैं, अब कुछ करेंगे, मतलब कुछ करना है जिंदगी में। क्या जॉब, बिजनेस? अभी तो आए हैं कि जॉब लगेगी। और 3 जगह मन रहता है आपका? हाँ। पढ़ो। कैरियर से संबंधित प्रश्न है, बहुत दुविधा में है, क्या करें? मॉडलिंग आदि में ना जाए, ना ये करना है, व्यापार की चाह है, व्यापार में ही जिंदगी सफल होगी, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। जवाब मिल गया। अब वर्तमान का प्रश्न आपका, क्या हमारे पास तो जे ही नहीं है, बिजनेस काय में करें? अब आपका अगला प्रश्न यह है, कुछ दिनों तक नौकरी करिएगा, इसके बाद एक मित्र के साथ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस का योग बनेगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, बुद्धि शांत रखना, इसके अलावा ट्रैक नहीं बदलना है, इसी ट्रैक पर जमे रहना। दुविधा यही थी, मन में प्रश्न यही था, शंकर जी की सेवा करते हुए भी यही मन था, चिट्ठियां भी मन ही मन डाली थी तुमने, चिट्ठी भी डाली थी कि करें क्या, जॉब करें कि बिजनेस करें, तब भी हम तुम्हारे साथ थे, सन्यासी बाबा देख रहे थे, रो मत जाओ, बिजनेस करो, आशीर्वाद प्यारे। बोले हनुमान जी महाराज की। क्या एकदम सही? तुम तो पढ़े लिखे हो, वैसे मुंह करके सबको बताऊं। सही है। खुश जा, एक मंत्र लिखा उसका, चाप धाम की पेशी, आप आ जाओ, कवच एक ले लेना धाम से, अभी जॉब करो, पेशी बीच बीच में करते रहो, मन को शांत रखो, बाकी अच्छा है, कुछ भी नहीं, खूब खुश रहो बेटा। बोलो सीताराम।